everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with a new topic of current affairs that is 6th mass extinction, जिसको हम छठा महाविनाश भी बोल सकते हैं. सो आज हम 6th mass extinction के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये होता क्या है और ये हो क्यों रहा है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. सो जो ongoing 6th mass extinction है, इट मे बी वन ऑफ द मोस्ट सीरियस environmental threats टू द persistence ऑफ civilization अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिसर्च. तो एक नई रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक जो 6th mass extinction जो चल रहा है वो अभी तक का सबसे सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट हो सकता है सिविलाइजेशन के परसिस्टेंस के लिए. मतलब उससे हमारी जो जीवन है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वो खतरे में आ सकती है. नाउ द रिसर्च क्लेम्स दैट दिस एक्सटिंक्शन इज ह्यूमन कॉज्ड एंड इज मोर इमीडिएट देन क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन. रिसर्च ने क्लेम किया है कि एक्सटिंक्शन जो है वो ह्यूमंस की वजह से हो रहा है और क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन से ज्यादा इफेक्ट इस वाले एक्सटिंक्शन का देखने को मिलेगा. नाउ इवन दो ओनली एन एस्टिमेटेड 2% ऑफ ऑल द स्पीशीज दैट एवर लिव्ड आर अलाइव टुडे, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ स्पीशीज इज ग्रेटर नाउ देन एवर बिफोर. हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जितनी भी अभी तक स्पीशीज रही है अर्थ पे, उसमें से सिर्फ 2% स्पीशीज जिंदा है, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर है स्पीशीज का वो अभी ज्यादा है बजाय के पहले. क्लियर है? तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है दैट व्हाट इज द मास एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज. तो मास एक्सटिंक्शन होता क्या है? सो इट रेफर्स टू अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन और व्हेन द अर्थ लूजेस मोर देन 3/4 ऑफ इट्स स्पीशीज इन अ जियोलॉजिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि एक्सटिंक्शन की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या फिर अर्थ में जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है उसकी 3/4 से ज़्यादा स्पीशीज जो है वो लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाए बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में. तो उसको हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन. अभी तक ड्यूरिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ अर्थ देयर हैव बीन 5 मास एक्सटिंक्शन. तो अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जिसमें जो 5th मास एक्सटिंक्शन था वो आज से 65 मिलियन साल पहले हुआ था, और जो 1st मास एक्सटिंक्शन हुआ था हमारा वो आज से 440 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था. अब जो 6th है जो चल रहा है, इसको हम एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन बोलते हैं. एंथ्रोपोसीन क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन कॉज्ड एक्सटिंक्शन है. नाउ द 5 मास एक्सटिंक्शन दैट टुक प्लेस इन द लास्ट 450 मिलियन ईयर्स हैव लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ 70-95% ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड अर्लियर. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं पिछले 450 मिलियन सालों में, उसकी वजह से जितने भी हमारे प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे उनका 70-95% डिस्ट्रक्शन में जा चुका है. मतलब 70-95% स्पीशीज जो है वो खत्म हो चुकी है. Now these extinctions were caused by catastrophic alterations to the environment such as massive volcanic eruptions, depletion of oceanic oxygen or collision with an asteroid. तो ये जो 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हमारे, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक alterations जो आए environment में एकदम catastrophic वाले, उनकी वजह से हुआ. जैसे किसी में बहुत ज़्यादा volcanic eruption हो गए, किसी में ocean में जो oxygen थी वो ख़त्म हो गई जिस वजह से species die out कर गई, या हमारी अर्थ जो है वो किसी एस्टेरॉयड से टकरा गई तो वो एरिया में जितनी स्पीशीज थी वो सब गायब हो गई. तो इस तरह के कॉजेज रहे हैं 5 मास एक्सटिंक्शंस के. नाउ आफ्टर ईच ऑफ दीज एक्सटिंक्शंस इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स टू रीगेन स्पीशीज कंपेरेबल टू दो दैट एग्जिस्टेड बिफोर द इवेंट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक मास एक्सटिंक्शन के बाद लाखों साल लग गए हमें वही स्पीशीज रीगेन करने के लिए जो कि उस इवेंट से पहले एग्जिस्ट करती थी. तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाता है हमारी उन्हीं स्पीशीज को वापस लेके आना एक्सटिंक्शन के बाद. क्लियर है? अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मास एक्सटिंक्शन क्या होता है. नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक दैट इज व्हाट इज 6th मास एक्सटिंक्शन. सो रिसर्चर्स हैव डिस्क्राइब्ड इट एज द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सिंस द लॉस ऑफ स्पीशीज विल बी परमानेंट. अब रिसर्चर्स ने इस 6th मास एक्सटिंक्शन को मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों कहा है? क्योंकि इस टाइम जितनी भी स्पीशीज हमारी खत्म होंगी वो परमानेंटली खत्म हो जाएंगी, मतलब उनको रीगेन नहीं कर पाएंगे. नाउ द स्टडी एनालाइज्ड 29,400 स्पीशीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स एंड डिटरमाइंड विच ऑफ दीज आर इन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज दे हैव फ्यूअर देन 1,000 इंडिविजुअल्स. अब इस स्टडी में हमारे जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब जो जमीन पे हमारे वर्टिब्रेट्स रहते हैं, उनकी 29,400 स्पीशीज को एनालाइज किया गया और ये डिटरमाइन किया गया कि उनमें से कौन सी बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं.
क्योंकि जैसे एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, अगर उसमें 1000 इंडिविजुअल्स भी नहीं है तो इसका मतलब वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, तो उनको डिटरमाइन किया गया है। नाउ आउट ऑफ द स्टडीड स्पीशीज दे कंक्लूडेड दैट ओवर 515 ऑफ देम आर नियर एक्सटिंक्शन एंड दैट द करंट लॉस ऑफ स्पीशीज विच इज बेस्ड ऑन डिसअपियरेंस ऑफ देयर कॉम्पोनेंट पॉपुलेशन हैज बीन अकरिंग सिंस 1800s। अब ये जो स्पीशीज स्टडी की गई हैं, इसमें से ये कंक्लूजन निकाला गया कि इनमें से 515 ऐसी हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, और जो लॉस हो रहा है स्पीशीज का, जो कि उनके कंपोनेंट पॉपुलेशन के डिसअपियरेंस के बेसिस पे हम बोल रहे हैं, वो 1800 सदी से हो रहा है, यानी कि 1800 से वो धीरे 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 लॉस होता जा रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ दीज 515 स्पीशीज आर फ्रॉम साउथ अमेरिका विच इन्वॉल्व्स 30%, फॉलोड बाई ओशिनिया दैट इज ऑस्ट्रेलिया विच इंक्लूड्स 21%, देन एशिया अगेन 21% एंड अफ्रीका 16%। तो ये जो 515 स्पीशीज डिटरमाइन की गई हैं, इसमें से 30% स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होंगी वो साउथ अमेरिका से होंगी, 21% एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों से होंगी, मतलब 21% एशिया से और 21% ओशियानिया से यानी कि ऑस्ट्रेलिया से, और 16% अफ्रीका से। क्लियर है? Then one of the reasons that humanity is an unprecedented threat to many living organisms is because of their growing numbers. तो humanity जो है वो बहुत सारे living organisms के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा क्यों बन रही है? क्योंकि हमारा number जो है वो बढ़ता जा रहा है। Now the loss of a species has been occurring since human ancestors developed agriculture over 11,000 years ago. तो स्पीशीज का लॉस जब से ही हो रहा है जब से हमारे एंसेस्टर ने एग्रीकल्चर डेवलप करना चालू किया था, जो कि आज से 11,000 साल पहले हुआ था, और जब से ही ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से बढ़ के 7.7 बिलियन हो गई है। तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसी की वजह से जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्पीशीज कम होती जा रही है। नाउ द स्टडी नोट्स दैट मोर देन 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज वेंट एक्सटिंक्ट इन द लास्ट सेंचुरी, extinctions that would have taken over 10,000 years in the normal course of evolution. अब स्टडी में एक चीज पता चली है कि पिछली सेंचुरी में यानी कि पिछले 100 सालों में लगभग 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज से ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लेकिन अगर यही चीज नॉर्मली चलती तो इन 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने में 10,000 साल लगते, जबकि अभी सिर्फ 100 साल लगे हैं। तो कितनी रेट बढ़ गई है एक्सटिंक्शन की, ये देखो। Now, in a sample of 177 species of large mammals, most lost more than 80% of their geographic range in the last 100 years. And as per a 2017 study, 32% of 27,000 vertebrate species have declining population. तो बड़े जो mammals हैं हमारे, उनकी 177 species का एक sample लिया गया, जिसमें ये पता चला कि उनमें से ज्यादातर का 80% से ज्यादा जो geographic range है वो लॉस हो चुका है पिछले 100 सालों में। और 2017 में एक स्टडी आई थी जिससे ये पता चला कि 27,000 वर्टिब्रेट स्पीशीज का 32% जो है उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है पॉपुलेशन। तो ये बहुत ही खतरनाक मंजर आ रहा है हमारे सामने। इसके अलावा द स्टडी कॉल्स फॉर अ कंप्लीट बैन ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड एज मेनी ऑफ द स्पीशीज करंटली एंडेंजर्ड और ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन आर बीइंग डेसिमेटेड बाय लीगल एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। स्टडी में एक और चीज बोली गई है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज जो अभी एंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्शन के बिल्कुल कगार पे हैं, उन्हें और ज्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कर रहे हो आप, चाहे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कर रहे हो। रिसर्चर्स ऑल्सो पॉइंट आउट दैट करंट COVID-19 पैंडेमिक वाइल नॉट फुली अंडरस्टूड इज ऑल्सो लिंक्ड टू द वाइल्ड लाइफ ट्रेड। रिसर्चर्स ने एक और बात कही है कि जो अभी ये COVID-19 का पैंडेमिक चल रहा है, ये भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड से लिंक्ड हो सकता है। अभी इसको पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है, एक गेस किया गया है कि हाँ हो सकता है ये उससे लिंक्ड रहे। नाउ देयर इज नो डाउट दैट देयर विल बी मोर पैंडेमिक्स इफ वी कंटिन्यू डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स एंड ट्रेडिंग वाइल्ड लाइफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज फूड एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के और भी ज्यादा पैंडेमिक जो है वो आते रहेंगे अगर हम हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करते रहे, और वाइल्ड लाइफ की ट्रेडिंग अगर हम चालू रखेंगे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, चाहे वो फूड के तौर पे हो चाहे वो मेडिसिन के तौर पे हो। तो नाउ लास्ट पॉइंट इज व्हाट हैपेंस व्हेन स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट। अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो होता क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी व्हेन ए स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट द इम्पैक्ट कैन बी टैंजिबल सच एज इन द फॉर्म ऑफ लॉस इन क्रॉप पॉलिनेशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन।
जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो इम्पैक्ट जो है वो इस फॉर्म में हो सकता है कि क्रॉप पॉलिनेशन ना हो पाए या वाटर प्योरिफिकेशन नहीं हो पाए. इसके अलावा इफ अ स्पीशीज हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन एन इकोसिस्टम द लॉस कैन लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर स्पीशीज बाय इम्पैक्टिंग द फूड चेन. ये है कि अगर किसी स्पीशीज का कोई स्पेसिफिक फंक्शन है एक इकोसिस्टम में और अगर वो स्पीशीज खत्म हो जाती है तो उसकी वजह से बाकी स्पीशीज पे इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि हमारी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. When the wolves in Yellowstone Park in California, US were hunted to near extinction by 1930s, the deer and elk they preyed upon thrived, as a result of which their grazing decimated the streamside willows and aspens which provided habitat for songbirds. And this left these streams susceptible to erosion, and a decline in the songbirds allowed mosquitoes and other insects that the birds would have eaten to multiply. इसमें क्या हुआ था, जब वॉल्व्स जो येलोस्टोन पार्क में थे उनको हंट किया गया ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन तक 1930s में, तो जो डियर और एल्क थे, एल्क क्या होता है, एक लार्ज डियर जो होता है उसको हम एल्क बोलते हैं, तो जो वॉल्व्स होते थे ये डियर और एल्क का शिकार करते. तो जब वॉल्व्स एक्सटिंक्ट होने लगे तो डियर और एल्क जो है उनका नंबर बढ़ गया. अब उनका नंबर बढ़ गया तो उनकी ग्रेजिंग भी बढ़ गई. अब जो स्ट्रीम साइड पे यानी कि जो नहर नदियों के पास जो पेड़ वगैरह थे उनको इन्होंने डियर और एल्क ने खाना चालू कर दिया. अब ये पेड़ जो है इन पे जो सॉन्ग बर्ड्स हैं वो रहती थी, तो क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है विलो और एस्पेंस मतलब कि ये जो पेड़ है ये टाइप है पेड़ के, तो इनको खाना चालू कर दिया तो ऑब्वियसली जो हमारी सॉन्ग बर्ड्स थी उनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने लग गई और पेड़ खत्म होने लग गए, तो जो हमारी स्ट्रीम थी जो नदी थी वो इरोजन के कगार पे आ गई. सॉन्ग बर्ड्स जो थी उनका नंबर डिक्लाइन हो गया. इसकी वजह से जो मॉस्किटोज और बाकी इंसेक्ट्स थे जिनको हमारी सॉन्ग बर्ड्स खाती थी वो मल्टीप्लाई होने लग गए. अब वो मल्टीप्लाई होने लगे तो पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया. तो इस चीज को सही करने के लिए जो वोल्व्स थे उन्हें रीइंट्रोड्यूस किया गया पार्क में 1995 में, आफ्टर विच दे प्रेड ऑन द एल्स एंड डियर वंस अगेन द प्लांट लाइफ रिटर्न एंड सो डिड दीज सॉन्ग बर्ड्स. जिसकी वजह से क्या हुआ, इन वोल्व्स ने एल्क और डियर का शिकार करना चालू कर दिया, प्लांट लाइफ जो है हमारी वो वापस से रीजनरेट हो गई और हमारी सॉन्ग बर्ड्स का नंबर भी बढ़ गया. नाउ द स्टडी वॉन्स दैट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटिंक्शन विल वर्सन इन द कमिंग डेकेड्स एज द रिजल्टिंग जेनेटिक एंड कल्चरल वेरिएबिलिटी विल चेंज एंटायर इकोसिस्टम. अब स्टडी ने एक चेतावनी दी है कि जो एक्सटिंक्शन का इफेक्ट है वो आगे आने वाले डेकेड्स में और खराब होता जाएगा. क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक और कल्चरल वेरिएबिलिटी आएगी वो हमारे पूरे पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर देगी. नाउ व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन और स्पीशीज ड्रॉप्स टू लो इट्स कंट्रीब्यूशन टू इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज बिकम अनइम्पॉर्टेंट इट्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड रेजिलियंस इज रिड्यूस्ड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वेलफेयर मे बी लॉस्ट. अब एक चीज ये है कि एक पॉपुलेशन में अगर इंडिविजुअल्स का नंबर कम हो रहा है या स्पीशीज जो है उसका नंबर बहुत कम हो जाता है तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम के फंक्शन में या सर्विसेज में वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता. उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, उसकी रेजिलियंस जो रेजिस्टेंस की पावर है वो कम हो जाती है और ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो भी खत्म हो जाता है. अगर हमें सिक्स मास एक्सटिंक्शन रोकना है या उसे स्लो डाउन करना है तो हमें अपनी एक्टिविटीज पे लगाम लगानी होगी. जो हम ट्रीज काट देते हैं, एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, ये सब चीज़ों की वजह से सिक्स मास एक्सटिंक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. ओके, सो ये था हमारा टॉपिक आज का. मैं होप करती हूँ आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट अगर आप लोगों का आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. ओके, सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना जिससे आगे भी आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे. सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.